एक बड़ा और अहम डेवलपमेंट है, आईएसआईएस के वर्सेस तालिबान की यह जंग किधर जाती हुई नजर आ रही है, आज इस पर भी हम करेंगे बात। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है, उनसे आपका तारुफ करा दें। गुरजीत सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमैट। अजीम भट्ट पाकिस्तानी पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इकबाल सिंह लालपुरा साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। किशोर तिवारी शिवसेना के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन सब से हम करेंगे बात, लेकिन अजीम शुरुआत आज आपसे। ये जो जंग छिड़ी हुई नजर आ रही है, ये जो हंटिंग ऑपरेशन इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, किधर जाती हुई चीजें आपको नजर आ रही हैं? आईएसआईएस के तालिबान को चुनौती देता है काबुल एयरपोर्ट पर सीरियल ब्लास्ट करवा के, और अब आईएसआईएस के आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है तालिबान। थैंक यू वेरी मच समीर, और बिल्कुल ये बात आप जो कर रहे हैं ये इनकी कोई नई जंग नहीं है। ये देखना पड़ेगा कि आईएसआईएस और जो तालिबान है ये बड़े पुराने इनकी आपस के अंदर जो है वो जंग चलती आ रही है, और इसी वजह से इस आईएसआईएस की वजह से चूंकि ये इनका कॉमन दुश्मन है अफगानिस्तान का और ईरान का, तो ये ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान जब तालिबान अफगानिस्तान में आया तो इनके दरमियान जो मुहब्बतें बढ़ गई हैं और जो इनके दरमियान डिप्लोमेटिक रास्ते बढ़ गए हैं, और ईरान ने कहा कि हम अपनी सिफारत खाना जो है वो बंद नहीं करेंगे अपनी, वो यही वजह थी कि ये दोनों मिल के आईएसआईएस के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं, इनको एक ही कॉमन दुश्मन का सामना करना पड़ रहा है। तो तालिबान का जो मकसद है, तालिबान जो अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते आ रहे हैं जबीउल्लाह मुजाहिद हो या सोहेल शहीन हो, अब वो किसी ना किसी हद तक लार्जर पिक्चर के अंदर हमें दुरुस्त नजर आता है। हाँ, वो छोटे मोटे मामला जरूर है कि तालिबान के राज के अंदर जो अफगानिस्तान के अंदर कुछ वीडियोस हमें देखने को मिलती है कि वो तशद्दुद कर रहे हैं, मगर लार्जर पिक्चर में दूसरी कंट्रीज के साथ रास्ते के अंदर अभी तक जो उन्होंने अपना स्टांस दिया है उसके ऊपर वो खड़े हुए हैं कि हम किसी भी कंट्री के खिलाफ जो है वो अपनी अफगानिस्तान की जमीन को इस्तेमाल भी नहीं होने देंगे और ना ही अफगानिस्तान के खिलाफ किसी को इस्तेमाल होने देंगे, जिस तरह टीटीपी का मामला था। चलिए, लेकिन तालिबान की बात पर कितना भरोसा किया जा सकता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।